हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट लर्नो हब डॉट कॉम

और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 5.5। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है

राइट right? क्योंकि यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी एक्स है दैट मीन्स हर जगह वेरिएबल है दैट मीन्स की जगह पे हमें क्या करना होता है यहाँ पे हम आराम से लॉग ले सकते हैं लॉग लेते के साथ ही अपने पास क्या आ जाता है एक प्रॉपर फॉर्मेट आ जाता है जिसे हम आराम से डिफरेंशियट कर सकते हैं राइट और दूसरा जब यहाँ पे प्लस आ रहा है दैट मीन अगर अब हमें लॉग लेना होगा तो अगर पूरे का लॉग लेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस तो उसके लिए क्या करना होगा सेपरेटली दोनों को अज्यूम कर लो दैट दिस इज यू दिस इज वी नाउ जस्ट सेपरेटली सॉल्व बोथ ऑफ देम यू के लिए वी के लिए डी यू अपॉन डी एक्स आएगा डीवीपॉन डीएक्स आएगा बिकॉज वी हैव टू डिफरेंशिएट With respect to X, and then, उसके बाद हमें लिख देना है, है, तो 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 अगर आपने लास्ट लास्ट वीडियो देखा एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, नहीं तो चलो यहाँ पे देख लो, what we have to do. सबसे पहले तो लेट कि जो y है दैट इज दिस एक्सप्रेशन ठीक है तो चलो मैं यहीं पे लिख देती हूँ y जो है अपना ये है ओके okay? सो so, y को कैन राइट एज u प्लस वी ठीक है करेक्ट तो अब जैसे ही हमने u प्लस लिख दिया सो नाउ साइड्स यू ऑल में लिखती हूँ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x. जब ऐसा हमें करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी हो जाएगा dy वाई अपॉन डीएक्स एंडक्वल टू डी अपॉन डीएक्स प्लस dv अपॉन डीएक्स करेक्ट यही है अपने पास तो चलो ये टर्म अपने पास आ गया है दैट मीन्स जो हमें निकालना है जो कि हमें यहाँ पे करना है डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन दैट मीन डिफ्रेंशिएशन लेना है इस फंक्शन का तो यही करना है कि u प्लस वी के फॉर्म में है सो so, हमें पूरे को डिफ्रेंशिएट करना है तो यही हो जाएगा डी यू पॉइंट डी एस प्लस डीवी पॉइंट डी एक्स यही हमें कैलकुलेट करना है ठीक है तो चलो ये काम हमारा समझ में आ गया है कि दैट मीन्स दोनों को सेपरेटली हमें डिफ्रेंशिएट करना है राइट ट इज अवर यू मैंने यू को क्या लिया है यू को लिया है फर्स्ट टर्म दिस वन एंड वी को लिया है सेकेंड टर्म दिस वन तो फर्स्ट टर्म इज हियर एक्स कॉस एक्स टू दावर हियर इट इज एक्स राइट चलो तो पहले यू को सोल्व करते हैं फिर वी को सॉल्व करेंगे तो चलो अब क्या करना है टेकिंग लॉन्ग बोथ दसाइड जैसे ही लॉग हमने लिया दोनों साइड तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ यू एंड दैट विल बी हियर लॉग ऑफ दिस होल थिंग लॉग ऑफ दिस होल थिंग का क्या मतलब है x आ जाएगा बाहर बिकॉज ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए टू द पावर बी वाला फॉर्म और ये आपको पता है कि दिस इज नथिंग बट बी इनटू लॉग ऑफ ए राइट तो यही वाला फंडा हमने यहाँ पे यूज किया है सो दिस इज वॉट हियर इट इज एक्स लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स ठीक है अब देखो अगेन अगर यू कैन सी प्रॉपरली तो ये क्या है x log of ऑफ into cos x है दैट मीन log ऑफ x y का फॉर्म है तो उसमें क्या हो जाता है log 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 x x x x log of cos x तो so पे पे cos अभी है हमारे पास log ऑफ u नाउ वॉट यू हैव टू जस्ट बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेक्ट तभी हमें पार, हमारे पास आएगा डी ओ पॉन डी एक्स तो यहाँ से क्या आ जा रहा है दिस इज वन अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स वाई वन अपॉन यू बिकॉज लॉग ऑफ एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन एक्स तो वही है यहाँ पे यू है यू यहाँ पे वेरिएबल है सो दैट्स ए वन अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हियर वॉट नॉट एल मी दिस इज इन विच फॉर्मेट यू इंटू वी वाला फॉर्मेट प्रोडक्ट रूल लगाना है यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है फिर चेन रूल लगाना है तो जस्ट करते जाओ एंड यू विल गेट द आंसर तो क्या हो जाएगा x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स दैट इज वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स

ये u u है यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे जस्ट हमने अभी अभी एज्यूम किया है दिस दिस वन तो तो विल बी मल्टीप्लाइड विद द होल थिंग पे जो हो रहा है चलो करा लेते हैं सो एक्स इंटू टेन एक्स एंड प्लस एक्स सो दिसर एंड अलॉन्ग विद मल्टीप्लाई विद करेक्ट यही है अपने पास डीओपोक्स जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है तो चलो ग्या 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 है की कहानी तो हो गई यहाँ पे खत्म तो ये हमने कर लिया है है कैलकुलेट अब अब क्या करना हमें निकालना है वी सो वी के लिए क्या लेना होगा सबसे पहले हमें देखना है कि वी हमने अज्यूम किसे किया है तो इसे अज्यूम किया है ये था अपना यू ये था अपना वी तो वी को लिख लेंगे उसके बाद फिर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बस यही काम करना है तो चलो वो भी कर ले सो नाउ वी इज हियर वॉट वी इज हियर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स टू दावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स ऑफ साइन x, x, x. हो so, तो जाएगा? जाएगा x इंटू साइन एक्स अगेन हम क्या कर सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं सो दिस इज लॉग ऑफ x प्लस अगेन वन अपॉन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स करेक्ट

तो अगर ध्यान से आप देखो सो एवरीवेयर वी कैन सी वन अपॉन एक्स स्क्वायर बट यहाँ पे एक्स है सो व्हाट वी कैन डू वी कैन टेक वन अपॉन एक्स स्क्मन दैट मीन्स आउटसाइड तो यहाँ पे एक और एक्स मल्टीप्लाई करना होगा दैट मीनस ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा राइट आर यू गेटिंग दिस क्या मैं बोल रही हूँ दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर कर दू तो यहाँ पे भी हमें एक्स मल्टीप्लाई करना होगा राइट right? तो चलो वही करते हैं एंड साथ ही साथ हम लिख देते हैं दैट व्हाट वैल्यू ऑफ डी वी अपॉन डी एक्स

करेक्ट ये पूरा टर्म आ गया देखो हमने डीवी अपॉन डीएक्स कैलकुलेट कर लिया डी यू अपॉन डीएक्स ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेटेड था तो अब बस हमें क्या करना है डीवाई अपॉन डीएक्स में इन दोनों को लिख देना है ऐड करके राइट right? सो so, अगर आप ध्यान से अब देखो तो वी कैन राइट हैंड्स क्या लिख सकते हैं डीवाई अपॉन डी एक्स दैट इज द रिक्वायर्ड थिंग विल बी हियर योर du ओ अपॉन डीएक्स और डी क्या है ये है अपना x cos of ऑफ to टू power x ये तो रहेगा एज इट इज इन द्केट कैन बी राइट जैसी अगेन थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है कैसे जैसे log ऑफ x है यहाँ और यहाँ है log ऑफ cos x तो दोनों एडिशन में है तो कैन बी राइट दिस एज log ऑफ x into cos x एक्स डू रिमेम्बर अगर हमारे पास कभी भी कुछ ऐसा टर्म होता है दैट लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई तो हम क्या लिखते हैं इसे लिख सकते हैं ना लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई तो वही करना है यहाँ पे इसी फॉर्मेट को हमें फिक्स कर देना है सो विल बी हियर माइनस सबसे पहले तो देखो जो था वो लिख देते हैं मल्टीप्लाइड करेक्ट तो ये हो गया अपना टर्म सो डी पॉइंट डीएक्स इज डन ओके नाउ प्लस डीवी पॉइंट है तो में क्या है ये टर्म तो रख सकते हैं एज इट इज तो चलो मैं लिख दू प्लस फॉर्म तो प्लस फॉर्म में फिर से एक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं साइन के साथ ओकेर दिस इज नॉट साइन दिस इज कॉस सो वी हैव टू मल्टीप्लाईर नॉट साइन बट एक्चुअली इट इज कॉस ठीक है क्लियर तो नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अपना वन माइनस ऑफ सी प्लस है तो चलो प्लस लिख देते हैं एक्स ऑफ कॉट एक्स करेक्ट नाउ व्हाट इज दिस माइनस है तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स एंड देन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर तो आप ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे एक्स साइन एक्स है और यहाँ पे एक्स कॉस एक्स है चलो मैं वापस लिख दू इसे सो बेसिकली दिस इज एक्स ऑफ कॉस एक्स राइट तो यहाँ पे अपने पास जिस तरह का फॉर्मेट आया है यू कैन से आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना था पूरे को सो वी हैव रिटन हियर वॉट इज द डिफ्रेंशियन ऑफ दिस वन राइट सो दिस इज द आंसर लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एंड इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या करना है अब अपने okay, पास जो function है वो है कुछ इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन नहीं है जिसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है अब हमारे पास है इक्वेशन राइट right? तो एक्स टू द पावर वाई है प्लस वाई टू द पावर एक्स एंड दैट इज इक्वल टू वन है अब यहाँ से हमें निकालना है डी वाई ओपन डी एक्स तो क्या कर सकते हैं जस्ट थिंक दैट मीन्स कुछ नहीं बस आपको यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है एज वी कैन सी कि वाई वाला टर्म है तो अपने आप से ही डी वाई ओपन डी एक्स आ जाएगा राइट right? तो चलो डिफ्रेंशिएट तो करना है बट क्या ऐसे ही हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे देखो यहां पे ध्यान से तो, तो पावर वाई है जब एक्सपोनशियल वाले टर्म्स होते हैं तो डू यू रिमेम्बर हमने क्या किया है यस yes, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया है कि ऐसे केसेस में हम लॉग ले, ले लेते हैं तो एज वी कैन सी कि एडिशन के फॉर्म में है सो व्हाट वी हैव टू डू यस हैज्यूम कर लो और उसके बाद उसको सॉल्व कर लो तो चलो वही करते हैं सो so, सबसे पहले वी हैव दिस एक्स टू दावर वाई प्लस वाई टू द एक्स एंड दैट इक्वल्स टू वन so let us assume that u is here x to the power y and v is here y to the power x right so this implies what u plus v ho jayega, apna 1 now what you have to do just differentiate kar do. so now differentiating both the sides with respect to x Jab aisa kya ho this will be du upon dx plus dv upon dx

इसका जो कि अपना यू है, so that's why this is what, u है सो दैट्स व्हाई दिस इज हुआ du अपॉन dx का मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एंड वेयर u इज नथिंग बट x टू द पावर y तो जब आप du अपॉन dx निकालोगे और dv अपॉन dx निकालोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे अपना टर्म आने वाला है कुछ इस तरीके से जहाँ से हमें मिल जाएगा dy अपॉन dx राइट तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम du अपॉन dx निकाल लेते हैं फिर डीवी अपॉन डी निकालेंगे फिर यहाँ पे इस इक्वेशन में रख देंगे सो लेट अस अज्यूम ये इक्वेशन जो है वो है अपना वन ओके okay, अब इसके आगे की कहानी देखते हैं सो वी हैव अपना यू हमने क्या अज्यूम किया हुआ है एक्स टू द पावर वाई तो इसे सॉल्व करने के लिए टेल मी क्या करना होगा यस yes, लॉग ले लो दोनों साइड सो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स

प्लस लॉग एक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास ये टर्म आ चुका है राइट right? तो चलो सबसे पहले तो यहाँ से डी ओपन डी एक्स निकाल लेते हैं क्यों बिकॉज इस इक्वेशन में पुट भी तो करना है क्योंकि उसी से तो हमें निकालना होगा dy ओपन डी एक्स राइट क्योंकि नहीं तो अगर सिर्फ इससे निकाल लोगे तो वो तो अधूरा हो जाएगा आंसर है ना तो चलो

चलो मल्टीप्लाई कर दो सो वाई टू दावर एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स बाई वाई इंटू डी वाई अपॉन डीएक्स प्लस क्या है लॉग ऑफ वाई करेक्ट तो हमने लिख दिया ये हमारे पास dv अपॉन डी एक्स भी आ गया है डी यू अपॉन भी आ गया है जैसी द वे वी हैव गॉट दिस टू थिंग्स अब बस इन दोनों को उठा के हमें रख देना है इक्वेशन वन में क्लियर सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डी यू अपॉन एंड dv अपॉन डीएक्स इन इक्वेशन वन तो क्या हो जाएगी वैल्यू अपनी जर्सी अब दोनों को जब हम यहाँ पे लिखेंगे दैट दोनों को ऐड कर देना है तो दोनों को ऐड करके लिख दो सो so, जर्सी अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर देना है वाई बिकॉज एक्चुअली वी नीड डी वाई अपॉन डीएक्स यही तो हमें कैलकुलेट करना है ना डीवाई अपॉन डीएक्स तो उसे निकालने के लिए जब हम ओपन करेंगे तभी डीवाई अपॉन डीएक्स कॉमन ले सकते हैं करेक्ट तो चलो लिख दो सो दिस एम्प्लाइज

इन टू लॉग एक्स ओके प्लस क्या हो जाएगा ये वाला टर्म और यहाँ ध्यान से अगर देखो तो दिस इज वाई टू द पावर एक्स अपॉन वाई तो क्या हो सकता है ये यस हम पावर को एक साथ लिख ले तो वाई टू द पावर एक्स माइनस वन हो जाएगा राइट सो वी कैन राइट दिस वाई टू द पावर एक्स माइनस वन इन टू एक्स तो ये हो गया अपना डीवाई पॉइंट डी एक्स का टर्म नाउ वॉट इज देयर प्लस है अब ये क्या है लिख लो और फिर स्टर्म को लिख लो साथ में तो दिस इज नथिंग बट अगेन वी कैन राइट दिस एस

तो ये क्या हो जाएगा इस पूरे टर्म को लेके जाते हैं राइट हैंड साइड और इसको फिर हम ले लेते हैं डिवीजन में सो दैट्स वाला टर्म आ जाएगा तो ये जाएगा इधर तो बन जाएगा माइनस माइनस साइन चलो लिख दिया तो अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स टू दावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस वाई टू दावर एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई करेक्ट नाउ डिवाइडेड बाई दिस होल थिंग जो इसके साथ मल्टीप्लाइड है तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अपना पहले मैं इस टर्म को लिखू तो एक्स इंटू वाई टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस क्या हो जाएगा ये दिस इज x टू द पावर y इन टू लॉग ऑफ एक्स करेक्ट सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि हमें निकालना था डीवाई अपॉन डी एक्स फ्रॉम वेयर फ्रॉर द फ्रॉम द गिवन इक्वेशन क्लियर अंडरस्टूड नो कन्फ्यूजन तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर थर्टीन ये तो उससे भी ज्यादा ईजी जो हमने लास्ट में किया है जैसे यहाँ पे हमें निकालना है तो बिना राइट right? तो क्या करना होगा यहाँ पे हमें यू वी ना लेके बस लॉग ले लेना है दोनों साइड बिकॉज हेयर ऑल्सो इट इज वाइट दस एंड ऑल्सो इट इज इक्वल टू विध एक्स टू दॉर वाई तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सोल्व करते हैं पावर एक्स इक्वल्स टू एक्स टू दावर वाई और हमें निकालना है डीवाई अपॉन डी एक्स तो सबसे पहले लॉग ले लो बोन दोनों साइड सो टेकिंग लॉग बोथ द साइड तो क्या हो जाएगा दिस इज एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई टू वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स करेक्ट यही हो रहा है अब देखते हैं इसके बाद क्या करना है हमें अब बस हमें डिफ्रेंशिएट कर देना है तो जैसे ही हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा ये बन जाएगा प्रोडक्ट रूल में और ये भी बन जाएगा प्रोडक्ट रूल में तो चलो दोनों का प्रोडक्ट रूल कर दे यहाँ सॉल्व सो नाउ अगेन ऑलवेज रिम्बर विथ रिस्पेक्ट टू वी डोंट हैव टू लीव अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं करोगे तो समझ में ही नहीं आया कि हमें किया कैसे है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर किसी ने वहाँ पे लिख दिया वाई z, x कुछ भी लिख सकते हैं सो दैट्स आई ऑलवेज रिमेंबर जब भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो विथ रिस्पेक्ट को किसकी करते हैं वो लिखना तो कंपल्सरी है ठीक है दबी क्वेश्चन में भी गिवन होता है यहाँ डीवाई अपन डी का ही मतलब वही है कि वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके सो डन अब देखते हैं क्या हो जाएगा ये x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग y यस इट इज वन अपॉन वाई इन अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ y भी होगा जो कि होता है ये डीवाई अपॉन डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा लॉग वाई इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स दैट इज वन डन अबलिए लॉग ऑफ एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई दैट इज वॉट डी वाई अपॉन डी एक्स ओनली करेक्ट तो चलो ये हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया अब बेसिकली हमें करना क्या है डीवाई अपॉन डी एक्स को एक साइड लाना है बाकी टर्म को दूसरी साइड चलो कर दे यहाँ इंप्लाइज so, अगर आप ध्यान से देखो चलो मैं यहीं पे कर लेती हूँ सॉल्व सो दैट इजी हो जाएगा लिखना सो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर मैंने लिया कॉमन तो क्या हो गया यहाँ पे दिस इज एक्स अपॉन वाई ठीक है एंड ये वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ एक्स राइट एंड द राइट हैंड साइड क्या बचा है अपने पास वाई अपॉन एक्स एंड देन इट इज ये प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा दिस इज लॉग ऑफ वाई

ये हो गया आपका आंसर बट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देना है so dy dx, क्या हो जाएगा? देखो, मैं क्या एक साथ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा दिस इज वाई माइनस एक्स इंटू लॉग वाई तो होगा ही एंड देन डिवाइड बाई यहाँ से देख लो x माइनस वाई इंटू लॉग एक्स होगा बट लॉन्ग विथ दैट डोंट फॉरगेट कि ये y भी था डिनोमिनेटर में और यहाँ पे x तो क्या हो जाएगा अब ये ऊपर चला जाएगा तो दिस इज नाउ वाई अपॉन एक्स हो जाएगा राइट तो वाई अपॉन एक्स इन टू दिस होल थिंग यस सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्लियर अंडरस्टूड नो कंफ्यूजन तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड हियर इज अपर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर ये भी है सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन तो क्या मुझे करने की जरूरत है या खुद से कर सकते हो यस यू कैन बट चलो ठीक है अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है देन आई एम गोइंग टू राइट इट

सो नाउ दिस इम्प्लाई इज वॉट जस्ट हेलमी जहां जहां सिंपलीफाई कर सकते हो कर लो सो दिस इज नथिंग बट माइनस वाई टैन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ठीक है नाउ हिस्टर एंड दैट इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस एक्स इंटू साइन बाय कॉस यहाँ पे भी है तो टेन ऑफ वाई एंड देस एंड दट इज

ही तो इसको एज इट इज रहने दो लॉग ऑफ कॉस वाई माइनस हो जाएगा देखो माइनस यहाँ पे था तो वो बन जाएगा प्लस तो प्लस इनके साथ वाई टेन एक्स तो प्लस वाई टेन एक्स करेक्ट सो देअर फॉर वॉट वी हैव गॉट डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जो राइट हैंड में साइड में था वो बन जाएगा न्योमिनेटर और जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो बन जाएगा अपना डिनोमिनेटर सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्योंकि हमारे पास पूछा ही गया था दैट जब भी ये एक्सप्रेशन है अपना तो क्या होगी वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की क्लियर तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ही इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर इसमें भी हमें क्या करना है वी हैव टू फाइंड आउट डी वाई अपॉन डी एक्स फॉर द गिवन फंक्शन तो बस सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन है तो क्या करना है यहाँ एस की वीकेंसी कोई प्लस माइनस वाला साइन नहीं है ना एडिशन है ना सब्ट्रैक्शन है, है तो डायरेक्टली बस लॉग लेके डिफ्रेंशिएट कर देना है ठीक है तो वही करते हैं

दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में जब लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे तो जब भी हम लॉग ई e लिखते हैं तो इन योर सिलेबस लॉग को एज्यूम किया गया है जब तक बेस यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज योर नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग का जो बेस होता है वो होता है ई e. जब एलेन लिखते हैं तो उसका मतलब होता है बेस ई e, एंड जब हम लॉग लिखते हैं तो उसका होता है मतलब बेस इज टेन राइट right? तो ये आप बड़े क्लासेस में पढ़ोगे बट अभी के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके सिलेबस में लिखा है लॉग विदाउट एनी गिवन सिग्निफिकेंस या कुछ भी बताए बिना कि उसका बेस क्या है देन यू हैव टू अंडरस्टैंड और यू हैव टू अज्यूम दैट इट्स बेस इज ई ओनली राइट तो जब भी अपना बेस इक्वल होता होता है जो यहाँ पे होता है जो पे नंबर तो उसका क्या वैल्यू हो जाता है टेल मी ऑलवेज रिमेम्बर कि जब भी अपना कोई भी लॉग हो राइट right? अगर बेस ए है और यहाँ भी ए है दैट मीन्स इट्स वैल्यू इज वन ऐसे भी आप देख लो कैसे जैसी

वन तो पे बस मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ भी वैल्यू नहीं देगा इसको सेम वैल्यू देगा सो so, एक्स का क्या हो जाता है वन ओनली माइनस वाई का करेक्ट ओनली डीवाई अपॉन डी एक्स दैटनाजी क्वेश्चन हो गया जिस लुक एट दिस सो नाउ डीवाई अपॉन डी एक्स को ले आओ एक साइड तो क्या मिलेगा आपको दिस इज वन अपॉन वाई प्लस वन एंड इन द राइट हैंड साइड वन हो जाएगा और ये चला जाएगा अगेन तो क्या हो जाएगा वन माइनस ऑफ वन माइनस एक्स राइट ये हो गया अब यहाँ से बस लिख दो वैल्यू यही है अपने पास सो फ्रॉम हियर फिर से इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं सो व्हाट यू विल गेट एंड एंड दैट इक्वल्स हियर देन आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर ये है लिटिल डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या मतलब है सबसे पहले तो मुझे ये बताओ येस इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एफेक्स राइट एट एक्स इक्वल्स टू वन यही है मतलब है ना तो दैट मीन्स जब भी हमारे पास एफेक्स है और इसे हमें अगर डिफरेंशिएट करना है देन वॉट वी विल गेट येस वी विल गेट एफ डैश एक्स आपको बताया भी था मैंने आइर डी वाई अपॉन डी एक्स लिखो डी डी एक्स ऑफ ए वाई लिखो या तो फिर फंक्शन का डेरीविएशन ऐसे लिख दो कि एफ डैश एक्स है सबका मतलब वही होता है राइट right? तो यही है यहाँ पे दैट मीन्स सबसे पहले हमें निकालना होगा इसका डिफ्रेंसिएशन बिकॉज यहाँ बोल दिया गया है यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन दैट मीन्स एफ डैश एक्स निकालना है उसके बाद फिर हमें एक्स की वैल्यू वन पुट करके एफ डैश वन निकाल लेनी है वैल्यू करेक्ट वेरी सिंपल थिंग दैट मीन्स अब देखो इसको ध्यान से तो किस तरह का फॉर्मेट है यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जब भी प्रोडक्ट के फॉर्म में हो एज वी कैन सी हर जगह प्रोडक्ट है तो जब प्रोडक्ट रहता है तो वॉट वी हैव टू यूज येस वी हैव टू यूज लॉग राइट लॉग लेने से ही वो प्रोडक्ट बन जाता है एडिशन के फॉर्म में और फिर तो हमारी लाइफ जाती है ईजी राइट right? तो चलो वही करते हैं सोना so मैं यहीं से अज्यूम कर ले रही हूँ ठीक है सो नॉट टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स ठीक है आप इसको एक बार और लिख लो दैट वी so है लॉग ऑफ दिस होल मतलब है दैट लॉग ऑफ वन प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर करेक्ट यही होगा दैट मीन्स जितने भी प्रोडक्ट फॉर्म में सब एडिशन के फॉर्म में आ जाएंगे सो नाउ प्लस करेक्ट इतना ही आ गया है चलो सारे एडिशन के फॉर्म में आ गए अब हमें क्या करना है अब बस इसे डिफ्रेंशिएट कर लेना है सो नॉट डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली तभी हमें एफ डैश एक्स मिलेगा करेक्ट तो चलो ये क्या हो जाएगा सबसे पहले तो लॉग का डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या होता है यस वन अपॉन जो भी यहाँ रहता है फंक्शन तो ऐसा ये एफ एक्स है तो रहने देंगे ओनली ऑफ भी लेना होगा तो वो क्या हो जाएगा F x और यही तो हमें निकालना है इसी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ से चलो तो एंड दैट इक्वल्स टू व्हाट इसका भी यहाँ डिफ्रेंसिएशन ले लो तो यू वी एन डब्ल्यू यहाँ पे समझ लो जेड है ये तो सबका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है एडिशन के फॉर्म में ही इसका डिफ्रेंसिएशन प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका राइट right? तो वही करना है तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स

1 1 1 1 is plus x four, so, is x x 4 similarly it 8 8 7 हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया दोनों साइड अब क्या करना है बस हमें वैल्यू निकालनी है सो so, f डैश एक्स की तो वैल्यू चाहिए हमें सो दिस इज वॉट एफ एक्स को लेके जाते हैं उस साइड तो ये क्या हो जाएगा यही है वैल्यू राइट right? हमने लिख दी है एज इट इज वैल्यू एफ टू दिस होल टर्म दैट इज एफ एक्स की वैल्यू एज इट इज लिख दी यहाँ से एंड देन जो हमने भी कैलकुलेट किया था इन द राइट हैंड साइड द सेम थिंग राइट ये हो गया डन सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफडे एक्स जो हमें कैलकुलेट करना था इसके लंबाई पे मत जाओ ये कितनी बड़ी वैल्यू है बट दिस इज़ द वैल्यू आप चाहो तो फिर और एक बार काम कर सकते हो यहाँ दैट यू हैव टू टेक द एल सी एम एंड देन उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो वो भी किया जा सकता है अदरवाइज यहाँ पे भी छोड़ सकते हो राइट सो इट इज़ बेटर कि चलो एल्सीयम ले लेते हैं ठीक है लेकिन देखो ध्यान रखो कि अगर एलसीयम लो गए आप तो उसके इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे बहुत कुछ मल्टीप्लाई करना है सो इफ योर आंसर इज इन ऑब्जेक्टिव टाइप एंड देयर यू यू हैव टू जस्ट शो इन दैट फॉर्म एट ओनली तो ऑप्शन नहीं है यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई ओनली बट अगर ऐसा नहीं है देन यू कैन लिव हियर ऑल्सो ठीक है क्यों मैं बता रही हूँ बिकॉज हमें निकालनी है वैल्यू एफ डैश वन की तो एक्स की वैल्यू वन रखो चाहे पावर में कुछ भी हो इट इज ऑलवेज ईजी टू फाइंड आउट इज एंट इट तो चलो आप निकाल के देखते हैं सो देयर फॉर नाव एफ डैश वन विल बी वर्ट हर जगह वैल्यू रख दो तो वन प्लस वन टू हो जाएगा इन टू वन प्लस वन अगेन टू इंटू अगेन टू अगेन टू so सो सिंपल देन अपॉन अगेन टू प्लस टू अपॉन क्या हो जाएगा ये भी टू देन प्लस फोर अपॉन क्या हो जाएगा टू वाई एम टेलिंग यू देखो वन का फोर ये भी वन होता है सो दैट्स वाई प्लस अगेन क्या हो जा रहा है एट अपॉन दिस इज ऑल्सो टू राइट तो देख लो बेसिकली ये टू हो गया यहाँ से हर जगह से कैंसिल करके लिख सकते हो सो दिस इज टू इंटू टू टू इंटू टू सिक्सटीन और इंटू यहाँ पे क्या हो जा रहा है दिस इज वन अपॉइंट टू है अपना टू टू कैंसिल हो गया तो वन टू फोर तो ये है 4 plus 2 plus 1 हो सेवन प्लस वन अपॉइंट टू तो बेसिकली वी हैव गॉट विक्सटीन 16 फोरटीन प्लस वन अपॉइंट टू तो दिस इज योर हंड्रेड ट्वेंटी सो वी हैव गॉट द आंसर एज हंड्रेड ट्वेंटी एज वी कैन सी एट इंटू फिफ्टीन इज हंड्रेड ट्वेंटी क्लियर तो कैसे भी सॉल्व करो बस यू हैव टू जस्ट गेट द आंसर अंडरस्टूड तो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एंड ही इज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन लेट सी इसमें क्या करना है ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है और बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन बट देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे आएगा डिफरेंशिएट दिस टर्म इन थ्री वेज

अब दूसरा क्या है बाय एक्सपैंडिंग द प्रोडक्ट ऑप्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल एज वी कैन सी यहाँ पे कि दो दो यहाँ पे पॉइनोमियल अलग अलग से हैं, तो दोनों को पूरा प्रोडक्ट लो इसका दैट मीन्स एक्सपैंड करो तो ये पूरा एक पॉलिनोमियल बनेगा उसके बाद तो आपको पता ही है कि डिफ्रेंशिएट करना कितना ईजी हो जाता है तो चलो वो भी करना ये भी समझ में आ गई बात तीसरा फॉर्म है बाय लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन अभी तो वही किया है हमने इस पूरे एक्सरसाइज में राइट right? लॉग लेना है बोथ द साइड दैट हमको अज्यूम कर लेना है कि y टू दिस होल टर्म है एंड देन लॉग दिस टर्म दैट मीन लॉग दिस प्लस लॉग दिस एंड देन एंडियट सो सिंपल तो चलो तीनों ही तरीका हमें पता है बस हमें इनका आंसर निकालना है और लास्ट में चेक करना है डू दे ऑल गिव द सेम आंसर तो इसका आंसर तो हमें बाद में ही मिलेगा ठीक है तो सबसे पहले पहले रूल से हम करते हैं तो पहला रूल कह रहा है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल तो मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट रूल ठीक है प्रोडक्ट रूल के थ्रू जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा सो नाउ लेट अस अज्यूम दैट जो गिवन एक्सप्रेशन है वो सबके लिए है ठीक है इक्वल्स टू मैं अज्यूम कर ले रही हूँ दिस इज योर वाई डन सो दिस इज वॉट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन ठीक है ये है नाउ प्रोडक्ट रूल लगाना है देर फोर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स and that is the required thing and that equals to what this into differentiation of this so x cube minus 5x plus 8 the whole thing in a bracket into differentiation of this that is what 3x square ho ga x cube ka plus 7x ka kya ho jayega? 7 plus 9 ka yes constant hai zero only done plus what will be this one this whole term that is x cube plus 7x प्लस नाइन मल्टीप्लाइड बाई द डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस टर्म दू एक्स माइनस फाइव करेक्ट दिन सो एज यू कैन सी ही मैंने बस क्या किया है वाई अपॉन डी एक्स है उसको लिख दिया है अब बस मल्टीप्लाई करना है और लिखनी है वैल्यू तो दिस इज वॉट थ्री इन टू एक्स टू द पावर फोर हो जाएगा ठीक है माइनस फिफ्टीन एक्स क्यूब ठीक है प्लस ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर ओके प्लस अब सेवन से मल्टीप्लाई करो सो वॉट इज दिस 7x square done minus 35x okay plus 56 okay so we have done this now the second one so here it is what 2x to the power 4 okay plus 14x square plus 18x minus 5x cube then plus 35 not plus this is minus so this is minus 35 x, okay, and then plus and minus minus 45, correct. So we have got this. अब बस इसको यहाँ subtract करनी है value और लिखनी है, तो क्या हो जाएगा? Just see, सबसे बड़ा term hai four wala So we can just check ki kahan कहाँ hai four wala term यहाँ bhi hai So what is this? 3 plus 2 is 5x to the power 4. Done. ये term और ये term done हो गया. चलो मैं color change कर लेती हूँ pen का, so that it will be easy for you also. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थ्री एक्स फोर और ये टू एक्स फोर लिख देते हैं साथ में सो दिस इज फाइव इंटू एक्स टू द पावर फोर हो गया डन नाउ एक्स क्यूब वाला टर्म है जस्ट चेक कहाँ पे एक्स क्यूब वाला टर्म एक यहाँ है और दूसरा है यहाँ सो दिस इज माइनस फिफ्टीन माइनस फाइव ये क्या हो जाएगा अपना माइनस ट्वेंटी एक्स क्यूब ओके डन नाउ द नेक्स्ट वन इज वर्ट एक्स स्क्वायर वाला टर्म सो एक्स स्क्वायर इज हियर ऑल्सो एक्स स्क्वायर इज हियर ऑल्सो एनी वेयर एल्स येस एक्सक्वायर इज हियर ऑल्सो तो सबको ऐड कर दो और लिख दो वैल्यू सो so, अब क्या बचा है स्क्वायर वाले टर्म हो गए अपने तो so, अब बचा है एक्स वाला टर्म ओके सो माइनस थर्टी फाइव एक्स यहाँ पे माइनस थर्टी फाइव ये हो गया माइनस सेवनटी एक्स एंड देन हियर इट इज वॉट प्लस एटीन तो माइनस सेवनटी प्लस एटीन कितना हो जाएगा येस इट इज

ट किया है प्लस फोर्टी फाइव एक्स स्क्सू एक्स प्लस अलेवन करेक्ट तो यही आई है वैल्यू यहां से अब चलते हैं हम सेकेंड तरीके से करने के लिए दैट मीन्स वी हैोडेक्ट करना है पूरे का एंड देन वी है डिफ्रेंसिएशन सो ना सी द सेकेंड वे वॉट वी हैव टू डू अभी भी मैंने बताया बस उसे एक्सपेंड करना है दैट मीन्स पहले प्रोडक्ट ले लेना है सो वॉट वी हैव वाई सो वाई को जस्ट मल्टीप्लाई करो और लिख दो सो वॉट आई एम डूइंग आई एम डूइंग इट डायरेक्टली फ्रॉम हियर सो दिस इज वॉट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू कितना होता है एक्स टू द पावर फाइव देन एक्स स्क्वायर इंटू सेवन एक्स कितना हो जाएगा सेवन एक्स क्यू देन एक्स स्क्वायर इंटू नाइन प्लस 9x square done now this term with the whole thing so minus 5x into this so this is minus 5x to the power 4 then here it is minus 35x square correct then what then we have got minus 45x right yeah and then what we have to do 8 se bhi karna hai? so 8k karo multiply so what you will get plus 8x cube okay then plus 56

प्लस ट्वेंटी करेक्ट एंड देन एट एक्स क्यूब है तो क्या हो जाएगा प्लस ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टी सिक्स एंड देखो कॉन्स्टेंट है उसका क्या हो जाता है जीरो करेक्ट तो वी डोट है अब ये सारा टर्म आ गया है जो भी कॉमन दिख रहा है एक जैसा सबको ऐड करो सब करो लिख दो वैल्यू सो वॉट वी है चलो मैं कलर चेंज कर लो इट विली टू यू तो जब कलर चेंज किया दिख रहा है हमें फाइव इंटू एक्स टू पावर फोर बस एक ही टर्म है फोर वाला सो एज इट इज लिख दो टर्म कहा है बस यहीं पे है सो दिस इज माइनस ट्वेंटी चलो लिख दो ठीक है नेक्स्ट उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखना है सो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ओके ट्वेंटी वन के साथ देन यहाँ पे है तो उनको ऐड करो सो वॉट टू टू फोर दैट इज फाइव सो प्लस फोर्टी फाइव आ गया है एक्स स्क्वायर के साथ डन ये भी कर लिया हमने अब बचा क्या है एटीन एक्स वाला एक्स वाला टर्म देखो ऐड करो एटीन एक्स है माइनस सेवेंटी एक्स है और कहीं पे है नहीं तो ये क्या हो जाएगा सेवेंटी एंड एटीन सेम आ गया जो हमने पिछली बार निकाला था दिस इज वॉट फिफ्टी ओके डन माइनस साइन के साथ अब बचा है सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ये तो कर लिया था सो माइनस फोर्टी फाइव प्लस इट इज इलेवन सो वॉट जस्ट लुक एट दिस दिसव एक्स स्क्स एंड एलेवन प्लस के साथ तो so, यही तो हमारा निकला था उसमें भी तो so, अभी तक तो दोनों तरीके से सेम आंसर आया तो so, चलो इसको भी उठा के मैं यहाँ लिख दूँ सो दैट बाद में इजी होगा कंपैरिजन सो दिस इंप्लाइज आल्सो कि वाई डैश जो है वो सेम आई है वैल्यू करेक्ट यही वैल्यू है अब देखते हैं अपना तीसरा तरीका सो so, अपना तीसरा तरीका कहता है दैट वी हैव टू अप्लाई लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन दैट मीन्स वी हैव टू यूज लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन तो उसके लिए आपको पता है कि अपने पास जो भी वैल्यू y की है दैट मीन्स बोथ द साइड वी हैव टू टेक लॉग तो चलो मैं यहीं से लॉग ले रही हूँ सो टेकिंग बोथ द साइड्स लॉग क्या हो जाएगी वैल्यू लॉग ऑफ फाइव हो जाएगा इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट विल बी टू दिस प्रोडक्ट फॉर्म में है तो क्या हो जाता है यस एडिशन फॉर्म में सो एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे है सेवन एक्स प्लस नाइन डन य है अब तो आपको पता है इसके बाद यस वी द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू वॉट एक्स करेक्ट सो डन सो क्या मिलेगा हमें वन अपॉन वाई इन टू लॉग ऑफ वाई सो क्या मिलेगा हमें वन अपॉन वाई इंटू डिफरेंसिएशन ऑफ वाई भी करना है सो डी वाई अपॉन डी एक्स एंड हियर इट इज वॉट ये हो जाएगा लॉग ऑफ दिस दैट मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ जब हम इसका लेंगे तो वन अपॉन दिस होल थिंग तो वो तो हमें लिख ही देना है डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट एज इट इज बट अलॉन्ग विद डू वी है डिफरेंसिएशन ऑफ ऑल्सो दिस थिंग तो ये क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस फाइव गेटिंग दिस हमें क्या करना है चेन रूल भी तो अप्लाई करना है राइट right? तो वही हमने अप्लाई कर लिया तो ये वाला काम तो हो गया प्लस यहाँ पे भी हमें लेना है तो इसका क्या हो जाएगा वन अपॉन दिस होल थिंग सो एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन और यहाँ क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस थिंग दैट इज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन ओनली डन अब ये हो गया आपका कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन बट नाउ वी हैव टू फाइंड एक्चुअली डी वाई अपॉन डी एक्स और वो क्या होगा वाई जाएगा इस साइड राइट हैंड साइड तो वाई से मल्टीप्लाई करेंगे द होल टर्म को तो उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ मैं यहाँ ले रही हूँ इसका एलसीएम सो दैट ये कट जाएगा बाद में तो चलो जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा इन द डिनोमिनेटर द प्रोडक्ट ऑफ दिस होल थिंग एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट इन एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन आपको पता है तो so, so, आप देखो वाई के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई एम डूइंग डायरेक्टली नाउ बिकॉज वाई की वैल्यू हमने क्या रखी है दिस पूरा टर्म तो so, इस पूरे टर्म को जब हम राइट हैंड साइड ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू दैट विल बी कैंसल विद दिस होल थिंग इन डिनोमिनेटर राइट right? तो क्यों लिखू मैं बार बार चलो का form, उसको कैंसिल आप ध्यान दो तो दिस इज वॉट बेसिकली दिस इज वॉट दिस इज द प्रोडक्ट रूल से जो हमने डिफ्रेंसिएशन निकाला था अगर ध्यान से यहाँ पे देखो तो दिस होल थिंग इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस यही तो है ये वाला टर्म दिस होल थिंग इन टू ऑफ दिस एंड देन प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस टर्म सो वही तो है वहां पे तो वही तो हमने अभी अभी निकाला था जो कि पहला टर्म आया था राइट तो चलो इसको सॉल्व करो और लिख दो कि क्या वैल्यू मिल रही है हमें सो वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट ओवर हियर ऑल्सो राइट right? तो आप ध्यान से अगर देखो तो dy अपॉन डी एक्स इन दिस ऑल्सो दैट मीन थर्ड वाले में भी सेकेंड वाले में भी और फर्स्ट वाले मेथड में भी हर जगह वो सेम वैल्यू दे रहा है सो वॉट विल बी द आंसर डू दे ऑल गिव द सेम आंसर द आंसर विल बी यस इन ऑल द वेज आंसर इज सेम यस एंड द आंसर इज दिस ओनली क्लियर अंडरस्टूड तो चलो आज देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर एटीन और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर एटीन लेट्स सी इसमें क्या करना है इफ यू वी एंड डब्ल्यू आर फंक्शन देन शो दैट डी डी एक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू फाइन दैट मीन्स तीनों फंक्शन है एक्स का तभी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे ठीक है जब तीनों का प्रोडक्ट लेके उसे भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं देन दिस वैल्यू इज कमिंग लाइक दिस ओके दैट वी हैव टू प्रूव कैसे इन टू वेज कौन कौन से वेज है देख लो फर्स्ट बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल ओके फाइन जो कि मैंने आपको बहुत बिगिनिंग में बताया था इस एक्सरसाइज के जो कि लास्ट वीडियो के स्टार्टिंग वाले में था कि जब हमारे पास यू वी डब्ल्यू टाइप का फॉर्म होता है सपोज इसके साथ एक और हो गया जेड हो गया तो इसे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं राइट अभी आपने देखा भी लास्ट वाले में एक तो सबको मल्टीप्लाई कर दो दूसरा क्या करना है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ तो प्रोडक्ट रूल जनरली हम लगाते हैं किस तरह से आपको याद होगा अगर मैंने बताया था यू इंटू इसको सपोज कर लो पी है ये फिर उसका यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन लेना है तो पी में अगेन आ जाएगा ये प्रोडक्ट वाला रूल तो वहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना है दैट मीन्स रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल और वही यहाँ पे बोला जा रहा है क्लियर ठीक है समझ में आ गई बात तो पहला तरीका है वो और दूसरा क्या है दूसरा है बाय लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन वो तो अभी पूरी हिस्ट्री अपने पूरी इसकी स्टोरी और हिस्ट्री देख चुके हैं आप कि कैसे हमें करना है तो चलो दोनों ही इजी फॉर्मेट है तो सबसे पहले पहला रूल करते हैं उसके बाद दूसरा देख लेते हैं क्लियर तो जो पहला तरीका है सपोज मैंने उसको मान लिया फर्स्ट वन इज वॉट रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल सो बाई Rule, जब हम करते हैं, तो क्या हो जाएगा अपना डिफरें तो इट विल साथ लिया मैंने वीडब्ल्यू को एक साथ ले रही हूँ ठीक है सबसे पहले सो वॉट यू इंटू डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बी डब्ल्यू प्लस हो जाएगा वी डब्ल्यू नाव इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस यू करेक्ट अगेन जस्ट चेक यो बेसिकली ये क्या है अपना जैसी यू इंटू नॉट डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी डब्ल्यू है तो वीडब्ल्यू को जैसे आप करते हो प्रोडक्ट टू लगा के वैसे ही कर देना है एज इट इज तो दिस विल भी एक्चुअली पहला टर्म इंटू डिशियन ऑफ सेकंड टर्म दैट मीन्स वी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स दैट मींस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स करेक्ट प्रॉब्लम प्लस द सेकंड टर्म इंटू डिफ्रेंसिए फर्स्ट टर्म दैट मींस डब्ल्यू इंटू डिफ्रेंसिएफ वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स दट मीन्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा राइट right? ये हो गया अपना डिफ्रेंसिएशन ये तो रहेगा एज इट इज़ तो चलो अब यहाँ पे लिख दूँ v इंटू डब्ल्यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स यही है करेक्ट अब बस इसको एक्सपैंड करके लिख देते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कि हमें क्या लिखना चाहिए हमारे पास यू वी डब्ल्यू है सो बेसिकली इट इज़ द फॉर्मेट कि जो छोटा आता है अल्फाबेट उसे पहले लिखते हैं फिर उसके बाद दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो so यू है पहले तो दैट मीन्स यू वाला टर्म लिखेंगे सो यू इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स लिख दिया पहले प्लस अब क्या हो जाएगा यू है फिर वी वाला टर्म लिखेंगे सो यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डब्ल्यू है यहाँ पे ये यह लिख दिया प्लस अब यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे है डी यू वाला टर्म पहले सो डी यू अपॉन डी एक्स इंटू वी इन टू डब्ल्यू अब अगर ध्यान से देख के चेक करो तो यू विल सी दैट डी यू अपॉन डी एक्स वी डब्ल्यू एस इट इज हियर इन थर्ड टर्म देन यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डब्ल्यू u into dv upon dx into w yes it is in the second term now u v into dv dw upon dx yes it is the first term so that means whatever we have got that is equal to your rhs so we have proved it clear the so, first तरीके से जहाँ पे हमें repeated application of product rule लगाना था हमने इसे solve कर लिया अब दूसरा तरीका देखना है कि logarithmic से कैसे हम check करते हैं clear तो चलो देख ले तो so, second method में बोल रही हूँ bye Using logarithmic differentiation. ठीक है जब हम लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन यूज करते हैं तो क्या करना होता है जो भी अपने पास होता है लेटेस्ट एज्यूम दैट वी हैव वाई इक्वल्स टू यू वी डब्ल्यू देयर फोर वॉट वी हैव टू डू टेकिंग लॉग बोथ द सो टेकिंग लॉगरिथम बोथ द साइड्स क्या हो जाएगा लॉग ऑफ वाई एंड ऑफ यू प्लसेंट सो डिफ्रेंशियपेक्ट टू एक्स जब ये करते हैं तो क्या हो जाता है दिस एम्प्लाइज वन अपॉन वाई इन टू डी वाई अपॉन डी एक्स होगा करेक्ट और यही भी निकालना है सो दिस इज वॉट

यही निकालना है, so so है अपना यू वी डब्ल्यू चलो यू वी डब्ल्यू मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है एलसीएम तो तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा यू वीडब्ल्यू यहाँ भी हो जाएगा एंड देन वॉट विल बी हियर ये बन जाएगा अपना डी यू अपॉन डी एक्स के साथ वी डब्ल्यू का मल्टीप्लीकेशन सो वी डब्ल्यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे v है v को छोड़ के बाकी दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो u इंटू डब्ल्यू सो u इंटू डब्ल्यू इंटू अपना है डी व्यू अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पे w वाला टर्म छोड़ के दोनों मल्टीप्लाई होगा सो so u इंटू वी सो प्लस u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स करेक्ट ये पूरा का टर्म आ गया अपने पास अब बस इसकी वैल्यू वापस अरेंज करके लिख देनी है तो दिस इज हियर डी वाइप dx की जो वैल्यू आ रही है वो है अपनी see, पहले मैं du वाला dx वाला सो डी यू अपॉन डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू हो गया प्लस दूसरा टर्म क्या है अपना यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स यू dv डी वी अपॉन डीएक्स इंटू डब्ल्यू है प्लस तीसरा टर्म जो है वो है अपना यू इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स अब अगर ध्यान से आप देखो तो यही तो है अपने आर एच एस में जिसलूट डी यू अपॉन डी एक्स इंटू वी डब्ल्यू प्लस यू इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस यू वी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स वट वी हैव गॉट दोनों ही तरीके से हमने देखा कि आंसर इज सेम द लास्ट क्वेश्चन में भी आपने देखा था तीन तरीका देखा उससे भी आंसर सेम है दैट मीन्स बेसिकली वी वॉन्ट टू से जब भी आप कोई भी तरीका लगाओगे डिफ्रेंसिएशन का यू विल गेट ऑलवेज सेम आंसर क्लियर अंडरस्ट सो आई होप के आपके सारे क्वेश्चन जो कि थे डिफ्रेंसिएशन के ऊपर अच्छे से समझ में आए हैं आप आराम से किसी भी तरीके से सॉल्व करके कोई भी डिफ्रेंसिएशन निकाल सकते हो सो डोंट फोर्गेट दिस इज लर्नो हब अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्री है पर बेस्ट है थैंक यू और हमारे साथ बने रहो